वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 2D के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रतिदिन ये 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। आप सभी विद्यार्थी क्लास 10 के गणित या 7 बजे वीडियो प्रतिदिन देखिए और एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो आज इस भाग में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2D के प्रश्न नंबर 1 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। यदि इसके पहले वाले यदि प्रश्नावली आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद P को बहुपद G से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको PX का मान और GX का मान दिया गया है। GX के मान से PX के मान में क्या करना है, भाग करेंगे। भाग देने के बाद से शेषफल और भागफल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर PX। क्या लिखेंगे, P। तो यहाँ PX का मान को यहाँ नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो क्रम पहले देखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर माने या बड़ा घात को पहले लिखेंगे। तो बड़ा घात यहाँ पे क्या है, तो 3X का स्क्वायर है। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस X लिख लेंगे, उसके बाद से -1 करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले X का पावर जो सबसे बड़ा रहेगा उसके पहले लिखेंगे, उसके बाद से उससे छोटा, और उसके लास्ट में अंक वाला को नोट करेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे GX बराबर, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे X का मान पहले रहेगा। X को क्या करेंगे, आगे करेंगे, और 1 को क्या करेंगे, पीछे कर देंगे। तो X प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ X प्लस 1 से भाग करेंगे। यदि आप भाग नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो भाग समझ में आ जाएगा। अब भाग को सीखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पहले 3X² प्लस X माइनस 1, ये नोट कर लेंगे। अब भाग के बारे में समझेंगे, भाग का नियम क्या है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखेंगे X यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे X कितना है, इस तरह देखेंगे X कितना है, 2 घात है। तो इसका मतलब 1 घात X कमी है, और यहाँ अंक में क्या है, तो 3 है, यहाँ पे 3 है नहीं, तो इसलिए हमको कमी क्या है, तो 3X कमी है। ध्यान देंगे, यहाँ 3X और X को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो 3X² बन जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे X यहाँ कितना है, 1 है, और X यहाँ पे कितना घात है, 2 घात है, कितना कमी है, 1X कमी है, और यहाँ अंक में देखेंगे 1 है, और यहाँ अंक में क्या है, 3, तो 3 कमी है, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, 3X। अब उसके बाद से 3X को और X को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 3X² बनेगा। अब इसका काम खत्म। अब इसका क्या क्या है, ये प्लस है तो प्लस चिन्ह लिखेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पर प्लस लिख देंगे, उसके 1 का गुणा किस में करेंगे, 3X में। दूसरा का काम होता है, इसमें जो उत्तर आता है उस उत्तर में इससे क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 1 का गुणा जब 3X में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3X हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ नीचे को क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, तो यहाँ घटाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस होने के बाद से यह 3X² से 3X² को क्या कर देंगे, काट देंगे, क्योंकि प्लस है और ये नीचे वाला क्या है, माइनस है, कट गया। अब इसके बाद से 1X में से ध्यान देंगे, 1X में से कितने X को घटा देंगे, 3X को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ 3X घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2X हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखेंगे कौन चिन्ह है, तो माइनस है, तो माइनस को आप उतार लेंगे या लास्ट में 1। तो समझ में आ गया होगा, माइनस ये 2X कहाँ से आया, 1X प्लस है, और ये 3X जो है अब प्लस नहीं रहा, अब क्या हो गया, माइनस हो गया। ध्यान देंगे, ये चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। तो 1X में से जब 3X घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2X हो गया, -1 हो गया। पुनः जो अब मिलान करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे X है और यहाँ पर क्या है, X है, मिल गया। क्या कमी है, यहाँ -2 है, यहाँ पे -2 नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो समझ में आ रहा होगा, -2 में X का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, -2X हो जाएगा। और 1 का गुणा जब 2 -2 में करेंगे तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2, आगे चिन्ह माइनस है, इसने क्या लिखेंगे, -2 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो है घटाएंगे, तो घटाएंगे तो माइनस, तो क्या बनेगा, प्लस।
या माइनस है तो क्या बनेगा प्लस। अब उसके बाद से दो एक्स से दो एक्स को क्या करेंगे काट देंगे, उसके बाद क्या बचेगा, अब यह दो प्लस है तो दो अधिक है तो दो में से एक को घटा देंगे, जब दो में से एक घटा देंगे कितना आ गया शेषफल एक आ गया। तो समझ में आ गया होगा शेषफल एक कहाँ से आया, दो में से एक को घटाए हैं तो एक आ गया, तो भाग समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा सवाल जब हल करेंगे उस पर ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, धीरे धीरे आपको भाग समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, अब नीचे लिखेंगे अतः, अतः लिख देंगे अतः, यहाँ लिखाएगा भागफल क्या है तो लिखेंगे भागफल, भागफल हो जाएगा तीन यक्स माइनस दो। शेषफल क्या हो जाएगा तो नीचे यहाँ लिखेंगे, यहीं पे बगल में लिख सकते हैं शेषफल जो है, शेषफल कितना आया तो शेषफल एक आया। तो समझ में आ गया होगा भागफल तीन यक्स माइनस दो और शेषफल क्या आया एक आया। तो समझ में आ गया होगा कि भागफल तीन एक्स माइनस दो कैसे आया और शेषफल एक कैसे आया। अब प्रश्न नंबर दो समझेंगे। अब ये दूसरा जो प्रश्न है, पहला में दूसरा प्रश्न है आपका है, यह जो प्रश्न है यह दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यह मिस्टेक हो गया है। अब ये प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर यह दो है। प्रश्न नंबर दो में क्या है ध्यान देंगे, पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स के पावर तीन घात प्लस थ्री, थ्री एक्स के पावर दो घात माइनस बारह एक्स प्लस चार, तथा जी एक्स का मान दिया है एक्स माइनस टू। अब एक्स माइनस टू से इसमें भाग करेंगे तो भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया इसका गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ भाग लिखेंगे, एक्स माइनस टू से भाग करेंगे, किस में भाग देंगे तो भाग किस में देना है तो एक्स का ती एक्स का क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस चार। अब इसमें भाग करेंगे तो भाग का नियम क्या है एक बार अच्छे से समझिए, यहाँ x कितना है तो तीन घात है और यहाँ x कितना है एक घात है, कितना कमी है दो घात कमी है, तो कमी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं तो यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं x के पावर दो घात, दो घात कमी है, ध्यान देंगे दो घात और एक घात मिलाएंगे तो कितना घात हुआ तीन घात होगा, तो दो घात और एक घात मिल गया तो कितना बन गया x के पावर तीन घात। अब इसका काम क्या है, इसका काम यह है, दूसरा पद का काम होता है जितना यह उत्तर आता है उसमें उसको गुणा कर लेते हैं, तो माइनस दो का गुणा जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या बनेगा माइनस दो एक्स का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा माइनस और यह क्या बनेगा प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा माइनस से इसके होते क्या बन गया प्लस हो गया। अब यहाँ एक्स का क्यू से एक्स को क्यू को क्या कर देंगे काट देंगे, तीन एक्स स्क्वायर और दो एक्स स्क्वायर अब माइनस नहीं है प्लस हो चुका है, तो तीन दो मिलके कितना हुआ पाँच एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस चार, यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद से अब है इसके बाद से ये पहला मान आइस पहले मान से क्या करेंगे मिलान करेंगे, फिर देखेंगे क्या कमी है। अब देखेंगे एक्स यहाँ कितना है एक है और यहाँ एक्स कितना है दो है, कितना कमी है एक एक्स की कमी है, तो यहाँ पहले एक्स लिख लेंगे, आगे कौन चिन्ह है प्लस है तो यहाँ आगे क्या लगा लेंगे प्लस लगा लेंगे। इसके बाद से यहाँ देखेंगे क्यों कितना दिया है पाँच, यहाँ पे पाँच है नहीं है, इसका मतलब कमी क्या है पाँच एक्स कमी है, कितना है पाँच एक्स और एक्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा पाँच एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। माइनस दो में पाँच का गुणा करेंगे तो पाँच दूनी दस, क्या हो जाएगा माइनस दस एक्स हो गया, समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तभी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस लिखेंगे और यहाँ का लिखेंगे प्लस लिखेंगे, अब यहाँ से पाँच एक्स स्क्वायर को पाँच एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे काट देंगे, अब दस एक्स जो है प्लस है और बारह एक्स क्या है माइनस है, तो दस एक्स में से जब बारह एक्स घटाएंगे तो कितने बार में जाएगा माइनस दो एक्स हो जाएगा घटेगा, तो दस एक्स में से बारह एक्स घटा देंगे कितना बचेगा माइनस दो एक्स आएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर चार, यहाँ पर चार को नीचे नोट कर लेंगे। अब इसके बाद से पुनः मिलान करेंगे, पुनः मिलान करेंगे, पुनः मिलान करने में देखेंगे कितने बार में भाग जाएगा, तो पहले देखेंगे यहाँ पे x है, यहाँ पर भी क्या है x है, यहाँ क्या है माइनस दो है, यहाँ पे आगे माइनस दो नहीं है, इसका मतलब कमी क्या है तो माइनस दो कमी है, कितना है माइनस दो है। अब ये माइनस दो में x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस दो x हो जाएगा, कितना होगा माइनस दो x हो जाएगा, अब उसके बाद माइनस दो में गुणा करेंगे, माइनस दो में करेंगे तो दो दूना कितना हो जाएगा
प्लस चार होगा। एक बार यहाँ पे समझेंगे, यहाँ सबसे पहले जो है यक्स यहाँ पे है और यक्स यहाँ पर है, मिला किए तो यक्स मिल गया, क्या कमी था माइनस दो, इसलिए माइनस दो लिख देंगे। माइनस दो में यक्स का गुणा करेंगे माइनस दो यक्स हो गया, माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस दो दूना चार, प्लस चार हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने पर क्या लिखेंगे माइनस, तो क्या बनेगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या बनेगा माइनस। अब ये दो यक्स से यहाँ लिखेंगे, दो यक्स से दो यक्स कट गया, चार से चार कट गया, क्या बचा शेषफल जीरो, शेषफल यहाँ पे आ गया जीरो। अब यहाँ नीचे लिखेंगे, लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः लिख देंगे, अतः अतः भागफल, अतः क्या लिखेंगे भागफल, भागफल कितना आ गया, भागफल कितना आया है, तो भागफल आ गया यक्स का स्क्वायर प्लस फाइव यक्स माइनस टू आ गया। और शेषफल कितना आया है, तो यहाँ लिख देंगे शेषफल, तो शेषफल कितना है, तो शेषफल लिख देंगे जीरो है। तो समझ में आ गया होगा दूसरा प्रश्न। अब अगला हम लोग समझेंगे तीसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न जानेंगे, पी टी बराबर दिया गया है टी के ऊपर तीन घात माइनस थ्री, टी के ऊपर स्क्वायर माइनस टी प्लस तीन, तथा जी टी बराबर दिया गया है टी के ऊपर टी का स्क्वायर माइनस चार टी प्लस थ्री। तो यहाँ पे जो है जी टी से इसमें पी टी क्या क्या करेंगे भाग करेंगे, तो यहाँ भाग करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे टी का स्क्वायर माइनस चार टी प्लस यहाँ पे लिख लेंगे तीन, भागा कर लेंगे, भागा करने के बाद से अब यहाँ पे इसके मान को क्या करेंगे उतार लेंगे, तो टी के ऊपर तीन घात है माइनस थ्री टी का स्क्वायर हो गया माइनस टी हो गया प्लस थ्री हो गया। अब यहाँ भाग करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है भाग में, अब यह पहला पद और इस पहला पद से क्या करते हैं मिलान करते हैं, मिलान करने पे जो कमी रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ देखेंगे टी कितना घात है, तो टी के पावर थ्री है और यहाँ टी के पावर क्या है स्क्वायर है, तो कितना कमी है, तो यहाँ देखेंगे टी तीन है और टी यहाँ पे दो है, तो इसका मतलब टी एक कमी है, तो यहाँ टी लिख देंगे और टी को अब टी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा टी के ऊपर तीन घात, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, चार टी का गुणा इसमें गुणा करेंगे तो टी में गुणा करने क्या बनेगा चार टी का स्क्वायर, और तीन का गुणा जब टी में करेंगे तो क्या बनेगा प्लस थ्री टी। यह प्लस कहाँ से आ गया, यहाँ पे चिन्ह देखेंगे प्लस है और यहाँ भी कौन चाहिए प्लस है, इसने क्या बनेगा प्लस हो जाएगा, तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ घटाएंगे तो घटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यह क्या बनेगा प्लस हो जाएगा, और यह क्या बनेगा माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इसके बाद से यहाँ पे जो है टी के ऊपर तीन घात से टी के ऊपर तीन घात क्या हो गया कट गया, अब ये चार टी का स्क्वायर जो है प्लस में है और ये थ्री टी का स्क्वायर जो है माइनस में है, तो चार टी स्क्वायर में से तीन टी स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या बचेगा एक टी स्क्वायर बचेगा, और माइनस थ्री टी और माइनस टी मिलेगा तो क्या बनेगा माइनस चार टी बनेगा, प्लस क्या बनेगा प्लस थ्री हो गया, तो समझ में आ रहा होगा। अब ये कितने बार में जाएगा भाग, तो यहाँ देखेंगे टी स्क्वायर है और यहाँ पर भी कौन चाहिए टी स्क्वायर है, तो कितने बार में भाग जाएगा तो एक बार में भाग जाएगा, कितने बार में एक बार में भाग जाएगा, तो एक बार में क्या जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस चार में टी का गुणा करेंगे तो चार टी हो जाएगा, तीन में एक का गुणा करेंगे तो प्लस तीन हो जाएगा, उसके बाद से क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा चिन्ह माइनस, ये क्या बनेगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सब कट जाएगा, या इससे काट देंगे चार टी से चार टी कट जाएगा, तीन से तीन कट गया, क्या बचा जीरो, शेषफल कितना आ गया जीरो। तो यहाँ क्या लिखेंगे भागफल, लास्ट में लिख देंगे भागफल, तो भागफल कितने बार में आया, भागफल क्या आया तो टी प्लस वन आया, और शेषफल क्या आ गया तो शेषफल जीरो आ गया। तो भाग समझ में आ रहा होगा, इस लाइव क्लास में आप लोग को अच्छा लग रहा होगा कि समझ में आ रहा होगा, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए। अब प्रश्न नंबर चार समझेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे यक्स प्लस वन, यक्स प्लस वन भागा, भागा कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे यक्स के पावर चार घात प्लस वन। भाग का नियम क्या है, सबसे पहले इसमें मिलान करते हैं, जो मिलेगा कमी रहेगा, मिलाने पर जो कमी रहता है यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ यक्स कितना है तो एक है और यहाँ यक्स कितना है तो चार घात है, तो कितना कमी है तो यक्स के पावर तीन घात कमी है, तो तीन घात और एक घात मिलेगा कितना घात हो जाएगा चार घात प्लस हो जाएगा, और एक का गुणा जब यक्स के पावर तीन घात में करेंगे तो यक्स के पावर तीन घात, इसके बाद से यहाँ पे इसको क्या करेंगे घटा देंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे यक्स के पावर चार घात से यक्स पावर चार घात क्या हो जाएगा
कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या बनता है माइनस। अब यहाँ पे जो शेष बचा है इसको उतार लेंगे, तो माइनस उतरेगा एक्स के पावर 3 घात और प्लस जो है 1 या प्लस 1 यहाँ पे इसको उतार लेंगे। इसके बाद से पुनः मिलान करेंगे, पुनः मिलान करेंगे जो शेष मिलान करने पे जो कमी रहता है यहाँ पे नोट करेंगे, तो यहाँ एक्स कितना है तो 3 घात है और यहाँ एक्स कितना है 1 घात है, कितना कमी है तो 2 घात, आगे क्या है माइनस है और यहाँ पर आगे माइनस नहीं है, तो कमी क्या है माइनस कमी है और यक्स का स्क्वायर कमी है, तो यक्स स्क्वायर में जब यक्स का गुणा करेंगे तो माइनस यक्स के पावर क्या हो जाएगा 3 घात हो गया, और 1 का गुणा जब यक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो पुनः नीचे जो है घटाएंगे, जब घटाएंगे तो माइनस है तो क्या बनेगा प्लस बन जाएगा, अब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ यक्स के पावर 3 घात से यक्स के पावर 3 घात को क्या करेंगे काट देंगे, अब यहाँ क्या उतारेंगे यक्स के पावर 2 घात प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 1 उतार लेंगे, तो समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद से पुनः मिलान करेंगे, अब यहाँ x कितना है तो 2 घात है और यहाँ x कितना घात है तो 1 घात है, कितना कमी है तो 1x का कमी है, तो यहाँ x लिख लेंगे, x में जब x का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा x का स्क्वायर होगा और 1 में x का गुणा करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। पुनः यहाँ पे नीचे क्या करेंगे घटा लेंगे, घटाने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे माइनस करेंगे और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे काट देंगे, अब क्या बचेगा माइनस एक्स बचेगा और क्या बचेगा प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। इसके बाद से अब यहाँ पे पुनः जो है मिलान करेंगे, अब यहाँ माइनस एक्स प्लस 1 है और यहाँ देखेंगे एक्स है और यहाँ माइनस है, तो कितने बार में भाग जाएगा तो माइनस 1 बार में भाग जाएगा, माइनस 1 में यक्स का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस यक्स हो जाएगा और यहाँ पे 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो माइनस जो है 1 हो जाएगा, तो समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद से यहाँ पे जो है घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या बनेगा माइनस है तो प्लस, आइए माइनस है तो क्या बनेगा प्लस। अब यहाँ यक्स यक्स को क्या करेंगे काट देंगे और एक जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 2, तो शेषफल कितना आ गया 2 आ गया, तो शेषफल 2 आया और भागफल क्या आया, तो यहाँ लिखेंगे अतः लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे भागफल, भागफल यहाँ जो आया इसको नोट कर लेंगे, तो भागफल कितना आया है यक्स का क्यूब माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 1 और शेषफल कितना आया है तो शेषफल जो है 0 शेषफल 2 आया है, तो शेषफल लिख देंगे बराबर 2, तो समझ में आ गया होगा भागफल और शेषफल। थोड़ा सा ये भाग थोड़ा सा बड़ा है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तथा जी एक्स बराबर एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे जो है एक्स प्लस 3 से क्या करेंगे भाग करेंगे, एक्स प्लस 3 भागा कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्स के पावर 3 घात प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यह संख्या से इस संख्या से क्या करेंगे मिलान करेंगे, कितने बार जो कम रहता है मिलान करने पे जो संख्या कमी रहता है उस कमी वाले संख्या को यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे 3 घात है और यहाँ कितना घात है 1 घात है, कितना कमी है तो एक्स स्क्वायर की कमी है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा एक्स का क्यूब हो जाएगा और 3 का गुणा जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा। पुनः यहाँ क्या करेंगे माइनस और यहाँ क्या करेंगे माइनस, इसके बाद से जब एक्स के अब यहाँ पे जब माइनस हो जाएगा तो एक्स का क्यूब से एक्स का क्यूब को क्या करेंगे काट देंगे, अब यहाँ प्लस 1 आपका स्क्वायर 1 माने 1x स्क्वायर यहाँ प्लस है और 3x स्क्वायर क्या है माइनस है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे 1 में से जो है 3x स्क्वायर को जब घटाएंगे तो माइनस यहाँ क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लिख देंगे 2x लिख लेंगे प्लस यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब उसके बाद से अब यहाँ मिलान करेंगे क्या कमी है, तो माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं है, तो कमी क्या है माइनस कमी है 2 कमी है और 1x कमी है, क्योंकि यहाँ पे x कितना है 1 है और यहाँ पे x कितना है 2 घात है, तो इसका मतलब माइनस 2x कमी है, तो माइनस 2 में जब x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का काम है इसमें गुणा करना है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 3 दूना 6 माइनस 6x हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको नीचे क्या करेंगे घटा लेंगे, ये माइनस है तो क्या बनेगा प्लस, ये माइनस है तो क्या बनेगा प्लस। अब इसके बाद से 2x स्क्वायर को क्या करेंगे काट देंगे, अब 6x में से 2x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4x, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो गया। इसके बाद से
इसके बाद से अब यह संख्या और यह संख्या से मिलान करेंगे, तो यहाँ यक्ष है और यहाँ पर भी क्या है यक्ष, कितने बार में जाएगा, चार बार में भाग जाएगा, क्योंकि चार यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चार यक्ष लिख लेंगे, और चार में तीन का गुणा करें, चार तियाई बारह, प्लस जो है बारह लिख देंगे, इसके बाद से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, और यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब चार यक्ष में से चार यक्ष को क्या करेंगे, काट देंगे, घट जाएगा। अब एक में से बारह घटाएंगे तो कितना होगा माइनस ग्यारह आ जाएगा। तो यहाँ का लिखेंगे शेषफल और यहाँ भागफल, तो लिखेंगे अतः, अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः जो है भागफल कितना आया, तो भागफल जो है नोट करेंगे, भागफल बराबर यक्ष का स्क्वायर माइनस टू यक्ष प्लस चार, भागफल आ गया। और शेषफल कितना आया है, तो शेषफल जो आया है माइनस ग्यारह आया, शेषफल माइनस ग्यारह आया। तो समझ में आ गया होगा कि भागफल और शेषफल। तो आज के वीडियो में एक से लेकर के पाँच तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया गया है। कल 7 बजे सुबह में प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी के ऑप्शन को ओके कर लीजिए। ओके करने पर इसमें तीन ऑप्शन आता है, तो पहले वाले ऑप्शन आल वाले ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा तो उसका मैसेज आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो कल सुबह 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।